गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। आज हम शुरू कर रहे हैं सर्कल। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सर्कल क्या है। सर्कल क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज नोन एज सर्कल। देखो क्या है कि हमने इस फिक्स पॉइंट से जो सारे पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट अ सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज सेम फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट। ओके, तो दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम सर्कल का सेंटर बोलते हैं। ओके, एंड दिस फिक्स डिस्टेंस मीन्स यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉर्ड। देखो कॉर्ड क्या है, हमारे पास अ लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द सर्कल इंटू टू पार्ट्स एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखो ये सर्कल है हमारा, ये जो लाइन है मान लो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट ये वाला हो गया इसका लोअर यहां से यहां तक, और दूसरा पार्ट ये वाला है। तो दिस इज डिवाइडिंग द सर्कल इंटू टू पार्ट्स एंड इट्स एंड पॉइंट्स ए एंड बी दे आर ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फिर दूसरी की बात करें, इट इज सपोज सी डी, इट इज ऑल्सो डिवाइडिंग द सर्कल इंटू टू पार्ट्स, वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस अपर पोर्शन। सो एनी लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू पार्ट्स एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब बच्चों ये जानते हैं कि हम मान लो सर्कल में बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ कर रहे हैं। कॉर्ड्स की कंडीशन वही है कि लाइन सेगमेंट होना चाहिए और उसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच होने चाहिए। तो ऐसे हमने बहुत सारे खींचे, तो एक लाइन इनमें ऐसी भी होगी विच विल पासेस थ्रू सेंटर। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसकी लेंथ आप मेजर करोगे या यहां से दिख रहा है आपको कि दिस विल बी मैक्सिमम, सबसे ज्यादा लेंथ होगी इन सारी लाइंस में इसकी। इट मींस वी कैन कंक्लूड दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मींस डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट आती है हमारे पास बहुत छोटी डेफिनेशन है जिसको आप पहले से यूज करते आ रहे हैं, दैट इज आर्क। आर्क क्या है, कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल। आप कंपास से ऐसे लगाते हैं ना, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल एक्चुअली एंड कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मीन्स ब्रेकिंग कहीं भी नहीं है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूस पार्ट ऑफ द सर्कल। अब बात आती है नेक्स्ट डेफिनेशन, सेगमेंट। तो सेगमेंट देखो बच्चों क्या है कि सेगमेंट हमारे पास क्या होता है, यहां से मैं पहले फिगर आपको दिखा देता हूं। इसमें आपने देखा ये सर्कल है हमारे पास, इसमें एक कॉर्ड है ए बी और एक आर्क है ए बी। ये जो छोटा वाला ए बी एक्चुअली ये भी आर्क है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी ए बी है। तो आपको दिख रहा है कि छोटा, दिस इज माइन, छोटा मतलब माइनर, माइनर आर्क ए बी और यहां मेजर आर्क ए बी और ये कॉर्ड। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच का जो स्पेस है या रीजन है इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का जो है दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, तो यहां भी हमने वही बनाया, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, क्या है रीजन एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, किसी कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग मैंने बता दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड का मीनिंग है कि जो छोटी आर्क है उसके साथ छोटा सेगमेंट बनेगा और बड़ी आर्क के साथ बड़ा सेगमेंट बनेगा। सो रीजन एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेगमेंट। ओके, तो अगर हम यहां माइनर सेगमेंट को डिफाइन करना चाहें तो रीजन एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड माइनर आर्क ओके इज नोन एज माइनर सेगमेंट। फिर दूसरा, अगर मेजर सेगमेंट को हम डिफाइन करना चाहें तो रीजन एनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड मेजर आर्क इज नोन एज मेजर सेगमेंट। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेगमेंट। नाउ सेक्टर, रीजन बिटवीन। देखो सेक्टर में क्या है, ये हमारा सर्कल है, दो रेडियस हमने ड्रॉ करी है, तो रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड
कोरेस्पोंडिंग आर्क, इसमें भी वही है, रीजन बिटवीन टू रेडियाई एंड कोरेस्पोंडिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। तो ये हमारा छोटा जो पार्ट है दैट इज माइनर सेक्टर, और ये मेजर सेक्टर बड़ा वाला। ओके अब इसमें देखिए नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि हम कोई भी प्लेन या सर्कल किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो अंदर वाला पोर्शन एक, एक बाउंड्री और एक बाहर वाला, तो ये भी बीच में काम आएगा। अब मैं थ्योरम 10.1 आपको मैंने समझा दी थी जिन्होंने लाइव क्लास ज्वाइन की, एक्सरसाइज 10.1, और जिन्होंने नहीं की थी वो एक बार ट्राई करेंगे, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की वो एक बार ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आ रही मुझसे पूछेंगे और उसको कॉपी में करेंगे। अब थ्योरम 10.1 है, स्टेटमेंट इसका है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये कॉर्ड्स ए बी और सी डी इक्वल हैं, ये सर्कल है इसकी दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि जो सब सेंटर कॉर्ड एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, यहाँ वन है यहाँ टू है, हमें ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। ओके तो प्रूफ इसका देखिए, हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए ओ बी और सी ओ डी को लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यहाँ ओ बी इज इक्वल टू ओ डी दिस इज अगेन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ए बी इज इक्वल टू सी डी दिस इज गिवन, तो ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी दिस इज ट्रिपल एस, तो सी पी सी टी से एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। थ्योरम 10.2 कहती है कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल, मतलब हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू है। तो इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि हमारे पास देखो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, बिल्कुल सेम चीज करेंगे, बस वन इसकी जगह ये और इसकी जगह ये आ जाएगा, यहाँ एस ए एस लग जाएगा। ओके तो ये थ्योरम 10.2 बिल्कुल सेम है। अब एक्सरसाइज 10.2 है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की मैंने हिंट दे दी, वही आपको एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू करना है। सेकेंड क्वेश्चन में अच्छा यहाँ ये दे रखा है ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेकेंड क्वेश्चन में एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दे रखा है, आपको ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है, अलग अलग सर्कल बना के ऐसे कर सकते हैं। ओके तो इसको कर लेंगे, थैंक यू।